ओम परमात्मा ने नमः। श्री भगवान का स्वधाम गमन। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाम, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण परिवार भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। ये सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन करते थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपनी आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह पक्षों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षक, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और त्रिदेवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है, तभी तो भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तो ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। तो इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तो मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लिप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही जगत की सृष्टि करके उसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर भी प्रहार करने वाले व्याध को भी संदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षा, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहां नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए बड़ी आदर्श है ये कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। तो जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए, मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से व्यवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देव की रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्हें भगवत द्वारह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सब पहचान कर उन्हें हृदय से लगा दिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गए। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके तो सब को, और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई।
भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट होगी। परीक्षा, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के ग्रह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला, सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षक, पिंडदान के अनंतर बची कुछ स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन ने ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षक, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्री मद्भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला कैसोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अत्यंत प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। अतः यहाँ 31वां अध्याय और 11वां स्कंद समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा की जय। श्री कृष्णा।